दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बाइक के हॉर्न रिपेयर करना सिखाऊंगा। इन हॉर्न को रिपेयर करना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी रिपेयर कर सकता है, भले ही उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो तब भी। इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप किसी भी हॉर्न को बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे, भले ही उसमें कोई भी फॉल्ट हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं हॉर्न में आने वाले सभी फॉल्ट्स को कवर करने वाला हूँ। और इन हॉर्न को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा विशेष टूल की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए बस आपको एक प्लास और स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आमतौर पर सभी घरों में आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिपेयर की दुकान है तो आज के बाद आप हॉर्न भी रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है रूट हॉर्न्स। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं को रिपेयर करने वाले हैं और इन्हीं हॉर्न के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी तरह के हॉर्न को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर तरह के हॉर्न का वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रहता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी नए हॉर्न खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत सी वीडियो में ये दिखाया जाता है कि ये जो स्क्रू है इसको घुमाने से जो हमारा हॉर्न नहीं बज रहा होता है वो बजना शुरू कर देता है, जबकि इस स्क्रू का ऐसा कोई यूज नहीं होता है। एक्चुअल में इस स्क्रू का क्या यूज होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। एक्चुअल में तो हॉर्न के सभी फॉल्ट को खोलकर ही अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है, और इसको खोलना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम हॉर्न की इन दोनों पिनों पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक फॉल्ट ये भी होता है कि इन थिम्बल्स पर कार्बन जमा हो जाता है, जिससे कि हॉर्न के कनेक्शन ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे केस में आप हॉर्न की इन दोनों पिनों को सैंड पेपर या फाइल की मदद से घिसकर साफ करें, और अगर वायर के कनेक्टर में ज्यादा कार्बन आया हुआ है तो उनको तो साफ करना पॉसिबल नहीं है, तो उनको तो आपको बदलना ही पड़ेगा। इस तरह के थिम्बल और कनेक्टर के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। फिलहाल इसमें ऐसी समस्या नहीं है, ये थिम्बल बिल्कुल साफ है और वायर कनेक्टर को भी थिम्बल के साथ डायरेक्ट सोल्डर किया गया है, तो यहाँ पर लूजिंग वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसके लिए अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो इसके लिए आप किसी भी तरह का कंटिन्यूटी टेस्टर यूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे मल्टीमीटर है तो हम इसी का यूज करेंगे। इसके लिए हम मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखकर इस हॉर्न की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, हमें यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। अब ये हो सकता है कि कॉइल खराब हो या फिर इसमें कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू ही हमें कॉइल की कंटिन्यूटी इन पिनों पर मिलती है, तो हो सकता है उन पॉइंट्स में कार्बन या रस्ट आ गया हो। इसके लिए हमें इसको खोलकर इसके अंदर देखना होगा। इसके लिए देखिए इसके हॉर्न के चारों तरफ जो ये नट और बोल्ट लगे हुए हैं इनको हमें खोलना है। ये देखिए दोस्तों, ये है हॉर्न का डायफ्रेम। जैसे कि स्पीकर में कोन यानी पर्दा होता है, वैसे ही ये इसका पर्दा है। बस फर्क ये है कि ये मेटल का है, ये सेंटर में जुड़ा है इसका आर्मेचर, इसको हम प्लंजर भी कहते हैं। जैसे कि आप स्पीकर में देखते होंगे, कॉइल में मैग्नेट फील्ड बनने से वो ऊपर और नीचे होती है, उसी के साथ पर्दा भी ऊपर नीचे होता है और इसी वजह से स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होता है। वैसे ही यहाँ पर भी कॉइल में मैग्नेट फील्ड बनने से आर्मेचर ऊपर और नीचे होता है, जिसके साथ ये डायफ्रेम भी ऊपर नीचे होता है और इसमें भी फिर स्पीकर की तरह ही साउंड प्रोड्यूस होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, स्पीकर में हम आर्मेचर को फिक्स कर देते हैं और कॉइल को मूव कराते हैं, और यहाँ हॉर्न में हम कॉइल को फिक्स कर देते हैं और आर्मेचर को मूव कराते हैं, और इन दोनों में से जो भी पार्ट्स मूव करेगा कोन उसी के साथ जुड़ा रहेगा। स्पीकर में कॉइल मूव करती है तो उसके साथ कोन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आर्मेचर मूव करता है तो आर्मेचर के साथ कोन जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये तो हुई जानकारी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, अब हम देखते हैं कि हॉर्न काम कैसे करता है। क्योंकि जैसे कि आप देखते होंगे कि स्पीकर को चलाने के लिए तो हम वहाँ पे एक एम्पलीफायर सर्किट लगाते हैं तब स्पीकर काम करता है, जबकि इसके उलट हॉर्न में तो हम सिर्फ बैटरी की सप्लाई ही कॉइल पर देते हैं और उसमें से साउंड निकलने लगता है। ऐसा कैसे, ये साउंड आता कहाँ से है जो हमें सुनाई देता है? दोस्तों इस हॉर्न की पूरी कार्य प्रणाली मैं सर्किट डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कोई भी हॉर्न किस तरह से काम करता है। ये है इन सभी पार्ट्स की असेंबली। वैसे तो इनको आपस में फिट करना आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, फिर भी आप चाहें तो इसको खोलने से पहले अपने फोन से इस असेंबली का एक फोटो क्लिक कर लीजिए, ताकि बाद में आपको उसे रीअसेंबल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हम इस हॉर्न को खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी हमें क्यों नहीं मिल रही थी।
ये देखिए दोस्तों, सभी पत्तियों में कितना ज्यादा जंग लगा हुआ है। इसका मतलब इनमें से कोई भी ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इसीलिए होर्न के कनेक्टिंग पॉइंट पर हमें कॉइल की कोई रीडिंग नहीं मिल रही थी। ये देखिए, कॉइल के कनेक्शन जस्ट इस पत्ती को दबाकर ही इससे कनेक्ट किए गए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच इतना ज्यादा कार्बन आ चुका है कि कॉइल इस पत्ती से टच हो ही नहीं रही है। और यही हाल देखिए इस स्क्रू के नीचे कॉइल के इस कनेक्शन पर भी है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हॉर्न कैसे काम करता है, और फिर मैं किसी भी हॉर्न में आने वाले सभी फॉल्ट को नंबर वाइज आपको बताता जाऊंगा और उनको कैसे ठीक करना है ये भी दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको स्कूल टाइम में प्रिंसिपल के कमरे के बाहर लगी हुई वो पुराने टाइप की घंटी याद है? जी हाँ, ये वाली। देखिए, ये है इस तरह की ट्रिंग ट्रिंग बेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर लगी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है मेटल की फ्लेक्सिबल पत्ती जो नॉर्मल पोजीशन में सीधी रहती है, और यहाँ पर लगी होती है एक धातु की कटोरी। यहाँ इस फ्लेक्सिबल पत्ती के थोड़े से हिस्से पर एक थोड़ी सी मोटी मेटल की पत्ती लगाई गई है ताकि जब कॉइल में मैग्नेट बने तो वो इस पत्ती को अपनी तरफ खींच सके, और इसी पत्ती पर एक हैमर जुड़ा होता है। अब दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर की तार लिपटी होती है जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिसिटी देने से उसके अंदर मैग्नेट बनती है, और उसके सामने जो भी धातु होती है ये उसको अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे कि देखिए, मैं आपको इस रिले में दिखाता हूँ, ये इसकी कॉइल है। जब हम इस कॉइल के दोनों सिरों पर सप्लाई देते हैं तो ये देखिए, ये ऊपर वाली मेटल की पत्ती को अपनी तरफ खींच लेती है, और जैसे ही मैं सप्लाई हटाता हूँ इसमें मैग्नेट बननी बंद हो जाती है तो ये पत्ती वापस अपनी जगह पर लौट जाती है। तो हमारे इस बेल के स्ट्रक्चर में भी यही होगा, जब हम इस कॉइल के दोनों सिरों पर सप्लाई देंगे तो ये आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेगी, और जब हम सप्लाई हटाएंगे तो आर्मेचर वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कॉइल को सप्लाई सीधे नहीं देंगे। देखिए, ये कॉइल का एक सिरा है, इस पर सप्लाई हम सीधे ही जोड़ देंगे, और इस कॉइल का दूसरा सिरा हम इस आर्मेचर पर जोड़ेंगे। अब सप्लाई का दूसरा सिरा हम आर्मेचर पे सीधे टच नहीं करेंगे, इस स्क्रू के थ्रू टच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई इस स्क्रू से होकर आर्मेचर में जाएगी और आर्मेचर से कॉइल में चली जाएगी। अब कॉइल में सप्लाई जाते ही उसमें मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट इस आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगी, आर्मेचर इस तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही आर्मेचर इस तरफ जाएगा तो ये स्क्रू से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो कॉइल में जाने वाली सप्लाई कट हो जाएगी। अब जब कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगी तो उसमें मैग्नेट बननी बंद हो जाएगी, तो अब वो आर्मेचर को अपनी तरफ नहीं खींचे रख पाएगी, इस वजह से आर्मेचर वापस अपनी जगह पर लौट जाएगा। लेकिन जैसे ही आर्मेचर अपनी पुरानी जगह पर लौटेगा तो वो फिर से स्क्रू से टच कर जाएगा। अब स्क्रू से टच होते ही कॉइल में सप्लाई फिर जाने लगेगी, उसमें फिर से मैग्नेट बन जाएगी और वो आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेगी। आर्मेचर के कॉइल की तरफ जाते ही सप्लाई फिर से कट हो जाएगी, मैग्नेट बनना बंद होते ही आर्मेचर फिर अपनी जगह पर लौट आएगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ बार बार होती रहेगी, और वो भी बहुत तेजी से होगी। एट द सेम टाइम जब आर्मेचर कॉइल की तरफ जाता है तो उसका हैमर भी उसी तरफ जाता है और इस धातु की कटोरी से बार बार टकराता है, और इस पर बार बार टकराने से ही धातु की कटोरी से आवाज निकलती है। तो यहाँ पर आपने देखा, इसका कनेक्ट होना ही इसके डिसकनेक्ट होने का कारण बनता है, और इसका डिसकनेक्ट होना इसके फिर से कनेक्ट होने का कारण बन जाता है, और यही प्रक्रिया इसमें कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक इसमें हम सप्लाई दे के रखेंगे। अब दोस्तों, इस स्क्रू का क्या रोल है ये देखते हैं। यहाँ पर स्क्रू ही क्यों लगाया गया, इसकी जगह कोई फिक्स कनेक्टिंग पॉइंट भी लगा सकते थे। दोस्तों, इसकी वजह है, इस स्क्रू को हम घुमा के थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं जिससे कि हम इस आर्मेचर के मूविंग एरिया को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम इस स्क्रू को जितना आगे करेंगे आर्मेचर का मूविंग एरिया छोटा होता जाएगा, और जितना हम इस स्क्रू को पीछे करेंगे उतना ही आर्मेचर का मूविंग एरिया बढ़ता जाएगा। देखिए, अगर हम इस स्क्रू को टाइट करके आगे की तरफ कर देते हैं तो इस आर्मेचर को मूव करने के लिए कम जगह मिलेगी जिससे कि घंटी से जल्दी जल्दी टकराएगा और हमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्राप्त होगा। जबकि इस स्क्रू को हम घुमाकर थोड़ा पीछे कर देते हैं तो इस आर्मेचर को मूव करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी जिससे कि ये इस घंटी से थोड़ी ज्यादा देर में टकराएगा और इससे हमें लो फ्रिक्वेंसी साउंड प्राप्त होगा। सेम यही प्रक्रिया हॉर्न में होती है। जब हम हॉर्न का स्विच प्रेस करते हैं तो बैटरी की सप्लाई कॉइल तक पहुंचती है, कॉइल में मैग्नेट बनती है और वो इस प्लंजर को नीचे खींचती है। लेकिन आप देखिए कि जब ये प्लंजर नीचे आता है तो कॉइल के कनेक्शन को बैटरी की सप्लाई से डिसकनेक्ट कर देता है। अब कॉइल में मैग्नेट नहीं रहने की वजह से डायफ्रेम प्लंजर को वापस ऊपर खींच लेगा, प्लंजर के ऊपर आते ही ये कनेक्टिंग पॉइंट फिर से कनेक्ट हो जाएंगे और कॉइल में सप्लाई जाने लगेगी। और इस बेल की तरह यही प्रक्रिया यहाँ लगातार चलती रहेगी जब तक हम हॉर्न का स्विच प्रेस करके रखेंगे। अब यहाँ पर ये प्लंजर डायफ्रेम से कसा हुआ जरूर है, लेकिन जब ये बार बार झटके से ऊपर आता है तो डायफ्रेम पे टकराने जैसा ही काम करता है, और वही टकराने की आवाज हमें हॉर्न के साउंड के रूप में सुनाई देती है।
ओके दोस्तों, अब कागजी ज्ञान तो काफी हो गया, अब हम अपने इस हॉर्न में देखते हैं कि सारी थ्योरी कैसे काम कर रही है। ये है इस हॉर्न की कॉइल का पूरा स्ट्रक्चर, ये है वो फ्लेक्सिबल पत्ती और कनेक्टिंग पॉइंट्स। इनमें सप्लाई इन दो स्क्रू के थ्रू आती है जो कि दूसरी साइड में क्रॉस हो रखे हैं, और कनेक्शन थिम्बल जो है वो इन्हीं पे कसे होते हैं। जब हम पीछे थिम्बल में सप्लाई देते हैं तो वो इस स्क्रू से होते हुए इस पत्ती में और फिर इन कनेक्टिंग पॉइंट से इस फ्लेक्सिबल पत्ती में आती है। अब आप देख सकते हैं कि कॉइल का ये सिरा इस पत्ती के नीचे सीधा ही दबा हुआ है, तो इसमें से सप्लाई कॉइल में आ जाती है। तो जब कॉइल में मैग्नेट बनती है तो प्लंजर का ये बड़ा वाला हिस्सा इस वाली पत्ती को दबाता है। ये देखिए, इस पत्ती पर दबाने के निशान भी बने हुए हैं, और ये है वो स्क्रू जिससे हम ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से दूर या नजदीक कर सकते हैं, जिससे कि हमें बेल की ही तरह लो या हाई फ्रिक्वेंसी प्राप्त होती है, और इसके जरिए हम अपने हॉर्न की आवाज पतली या भारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस स्क्रू को बाहर से घुमाकर हॉर्न को ठीक नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये कि सेटिंग अपने आप कभी चेंज नहीं होती जब तक उसको हम छेड़े नहीं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि खराब हॉर्न का हम पीछे से ये स्क्रू घुमाते हैं और वो बजने लगता है। उस केस में क्या होता है कि ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है इनमें कार्बन आ जाता है, तो जब हम इस स्क्रू को घुमाते हैं तो ये पत्ती ऊपर या नीचे होने की वजह से उन दोनों पॉइंट के बीच में से थोड़ा बहुत कार्बन स्क्रैच हो जाता है और उन दोनों पॉइंट में थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी है। ऐसे में हॉर्न को 20-30 बार बजाने के बाद ही इन पॉइंट के उस हिस्से में फिर से कार्बन आ जाएगा और वो फिर से बंद हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है कि हमारा हॉर्न खराब होने पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम इन हॉर्न को रिपेयर करवा लें या नए खरीद लें। अब नए हॉर्न रिपेयर करवाने की अपेक्षा थोड़े महंगे पड़ते हैं, इसलिए हम उनको रिपेयर करवा लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन चलने के बाद वो फिर से खराब हो जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि शायद अब ये हॉर्न सक्सेस नहीं हो पाएंगे और इनको छोड़ो, अब नए खरीद लेते हैं। वो प्रॉब्लम ऐसी ही टेम्परेरी रिपेयरिंग की वजह से होती है, क्योंकि दोस्तों इन हॉर्न में गिनती के ही मात्र 3 फॉल्ट होते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। इनमें 90% इन कनेक्टिंग पॉइंट में कार्बन आने वाला फॉल्ट होता है, तो आप सैंड पेपर की मदद से इन दोनों पॉइंट को साफ कर दीजिए और हॉर्न ठीक हो जाएगा। बाकी 9% ये फॉल्ट आता है, जैसा कि इस हॉर्न में देखिए, इन पत्तियों पर जंग लगने वाला। ऐसा ब्रांडेड हॉर्न में बहुत कम होता है क्योंकि उसमें सील वगैरह अच्छी होती है। ये एक नॉन ब्रांडेड जेनरिक हॉर्न है तो सील ऐसे ही पेपर वगैरह की लगा देते हैं, कुछ दिन बाद वो खराब हो जाती है, तो सर्विसिंग के दौरान या बरसात के दौरान इन हॉर्न में पानी जाने की वजह से इस तरह का जंग लगने वाला फॉल्ट होता है। इसको भी आप सैंड पेपर से साफ कर देंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। और सिर्फ 1% इस कॉइल का फॉल्ट होता है। वैसे तो ये कभी खराब नहीं होती है, फिर भी अगर मान लो ये कभी खराब हो भी जाए तो आप इसे बहुत ही आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी मोटा तार होता है और वो थोड़ी सी टर्न होती है जिन्हें हाथों से ही आसानी से लपेटा जा सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, इन हॉर्न को रिपेयर करना कितना आसान है। ओके तो दोस्तों, वीडियो पहले ही काफी लंबी हो गई है, अब मैं आपका और समय नहीं लूंगा, जल्दी से इस हॉर्न को रिपेयर करके फिट कर लेते हैं और फिर देखते हैं ये कैसा बजता है। हाँ, ये सील हमें जरूर बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये खराब हो चुकी है, तो हम पेपर से नई सील भी काट लेंगे।
उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने को हमेशा मिलती रहेंगी। अच्छा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।